अरे बस 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 बहुत हो गया, तेरे ऐसे जोक सुनकर मैं वापस यूएस भाग जाएगा। और रेखा कहेगी कि जब एंगेजमेंट अमेरिका में हुई है तो मुझे शादी भी अमेरिका में ही करनी है। कर छोड़ो, एक और सुनो, एंगेजमेंट के कितने दिन बाद शादी करनी चाहिए? कितने दिन बाद? अरे भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है, सोचो। चल बता ना यार। जितने मोबाइल के पैसे बचाने हो। हंस लो, नाच लो, गा लो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत जल्द सब कुछ बदल जाएगा, कोई नहीं बचेगा हंसने के लिए। और तुम बच के रहना, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हे यू, तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो? जाओ निकलो यहाँ से, मैंने कहा ना, जस्ट गेट आउट। ये अचानक तुम्हें देखकर ऐसे डर क्यों गई? पता नहीं, बहुत अजीब औरत है, पहले तुम्हारे ऊपर उंगली उठा रही थी और उसके बाद में ये। मयंक! यार राजेश, ये तेरे पार्टी में कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, अब ये कौन है? अरे यार तूने इसे नहीं पहचाना? अंकुर। हाय मयंक। यार अंकुर, ये क्या हाल बना रखा है? अमेरिका से हो आए। सॉरी, मैं तुझे पहचान ही नहीं पाया। छाने दे। अरे लेकिन बता तो सही, हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है? ये देख रहे हो क्या, तेरी हालत इसकी वजह से हुई है? हाँ। अरे यार अगर ऐसी बात है तो तू इसे फेंक क्यों नहीं देता? यही तो बात है, फेंक नहीं सकता। अगर इसे एक बार कुछ मांग लिया तो फिर ये पीछा नहीं छोड़ता। मांग लिया मतलब? ये कोई अलादीन का चिराग है? यही समझ लो। दिखा दिखा क्या है इसमें? ये क्या है? ये तुम्हारी सभी इच्छा पूरी कर देगा। ये कहाँ से मिला तुम्हें? एक दिन मैं जंगल में किसी काम से जा रहा था, मेरे सारे दोस्त विदेश में नौकरी कर रहे हैं और मैं 5,000 की नौकरी के लिए इस जंगल में भटक रहा हूं। सुनो बेटा, इधर आओ। तुम कौन हो भाई? मैं तुम्हारी किस्मत का दरवाजा खोल सकता हूँ। हाँ। कहाँ है वो दरवाजा? मैं तुम्हें जो चाहिए दे सकता हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे एक बड़ा सा बंगला, 2 करोड़ रुपया और एक बड़ी सी गाड़ी दे सकते हो? क्यों नहीं, वो सब तुम्हें मिल जाएगा। मिल जाएगा? वो कैसे? की चिंता तुम मत करो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कहो क्या काम है तुम्हारा। ठीक है, ये लो, इसे हमेशा अपने पास रखना होगा, हमेशा। लेकिन ये तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम इसे हमेशा अपने पास रखोगे। हाँ, ये क्या है? यही तुम्हारे सपने पूरे करेगा। सच में? बिल्कुल सच। लेकिन इसे लेने से पहले मुझे मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर लेने दो। लाओ लाओ, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं
यही मर जाऊं। और जैसे ही उसने मौत मांगी वो मर गया, और तब से ये खोपड़ी मेरे हाथ में लटक रही है। तूने इस खोपड़ी से कुछ नहीं मांगा? मांगा था, बहुत कुछ मांगा था। तो मिला? हाँ, एक आदमी इससे सिर्फ 3 बार मांग सकता है, सिर्फ 3 बार। अंकुर, एक बात बता यार, क्या ये मुझे मर्सिडीज दिलवा सकता है? हाँ, दिखा ना। सोच लो, जो मांगोगे मिलेगा। ये खोपड़ी कुछ देती है तो बदले में कुछ ले भी लेती है। अरे अगर मर्सिडीज मिल रही हो तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ यार। ये खोपड़ी मुझे दो, मैं रखूंगी इसे। मुझे ऐसी अजीब अजीब चीजें जमा करने में मजा आता है। सोच लो, अगर बाद में डर गई तो? डरने के लिए तुम लोग हो ना। अरे तुम्हें पता नहीं, यही अंकुर स्कूल के टाइम में कबड्डी का कैप्टन हुआ करता था, और अब देखो क्या हालत हो गई उसकी। मैं तो शुरू में पहचान ही नहीं पाया उसे। और उसने हमें जो खोपड़ी दिखाई है, ये सूखी खोपड़ी, मुझे तो अजीब सी लगी। इन सब चीजों से कुछ होता तो है नहीं, बस उल्टे सीधे ख्याल आते हैं दिमाग में। कम ऑन मयंक, तुम्हें अंकुर से ये खोपड़ी लेनी नहीं चाहिए थी। मुझे इंटरेस्टिंग सी लगी, और वैसे भी मुझे कुछ तो ले जाना है ना अमेरिका यहाँ से। इसको तो देखकर ही डर लगता है। चलो गाड़ी में बैठो। वो औरत? कौन सी औरत? वो वही जो पार्टी में दिखी थी, वो सनकी औरत। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने अभी उसे देखा यहाँ। तो फिर कहाँ गई? कुछ ठीक नहीं हो रहा है। उस औरत ने सही कहा था, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मयंक, अब तुम फालतू की बातें कर रहे हो। चलो बहुत देर हो गई है, घर चलते हैं। चलो। खोपड़ी को हाथ नहीं लगाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए था। Come on, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ ऐसा लगा। सुनो मयंक, वहां सचमुच कोई नहीं था। मुझे लगता है हमें मयंक को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अरे पापा मम्मी अभी तक सोए नहीं? ऐसा तो नहीं कि वो हमारा इंतजार कर रहे हैं? नहीं, कुछ और बात है। ये बैंक का नोटिस आ गया है, और फिर कुछ दिनों में ये घर भी तो नहीं रहेगा ना? अभी तो वो आया है, उसे कुछ दिन और आराम से रहने दो। मयंक को बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, मुझे भी कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। फिलहाल उसे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं, समझी कि नहीं? हाँ लेकिन अरे बेटा, तुम लोग कब वापस आए? पार्टी कैसी थी? मम्मा, पापा, आप लोग किस बारे में बात कर रहे थे? बेटे कुछ नहीं, बस इधर उधर की बातें कर रहे थे। तुम थके हुए हो, जाओ आराम करो बेटा। पापा, बात पलटने की कोशिश मत कीजिए, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। मम्मा, बैंक ने हमें किस तरह का नोटिस भेजा है? वो मम्मा, बेटा तुम्हारे विदेश जाने के बाद यहाँ यहाँ बिजनेस में बहुत सारे लॉसेस हो गए बच्चे। फैक्ट्री में आग लग गई, और फिर इंश्योरेंस वालों ने पैसा नहीं दिया। बैंक का कर्जा चुकाने के लिए हमें एक घर गिरवी रखना पड़ा, और आज बैंक का आखिरी नोटिस आया है कि अगर हमने इस महीने 25 लाख रुपए नहीं चुकाए तो वो हमारा घर नीलाम कर देंगे। लेकिन बेटे तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा। लेकिन पापा, जब इतनी मुश्किलें थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मयंक, अब बिजनेस में फायदा नुकसान तो होता ही है बेटा। पर पापा, इतना बड़ा नुकसान। मयंक,
मयंक। क्या हुआ मयंक, बात क्या है? अचानक क्या हो गया रेखा? कल तक हम एक नया घर बनाने का सपना देख रहे थे और आज अपना ही घर अपने हाथ से जा रहा है। मैंने सोचा था कि मॉम डैड को वर्ल्ड टूर पे लेके जाऊंगा, अब क्या होगा, हमारी शादी कैसे होगी, सब कुछ बर्बाद हो गया। रिलैक्स मयंक, हम दोनों साथ मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। रास्ता कैसे निकलेगा, कहां से आएंगे 25 लाख रुपए? अब तो कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है। वो खोपड़ी कहां है? क्या? वो खोपड़ी जो अंकुर ने हमें दी थी, मुझे वो खोपड़ी चाहिए। तुम करना क्या चाहते हो मयंक? देखो ये सब फालतू की बात है। जो भी हो, कोशिश करने में क्या हर्ज है, अभी जिस हालत में उससे तो बुरा नहीं हो सकता ना। सोच लो मयंक। मैंने कहा ना, मैं देख लूंगा, बस वो खोपड़ी ला के दो। मैं सब सिर्फ हम दोनों के लिए कर रहा हूं, हमारे सपने के लिए कर रहा हूं। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, इतना पैसा कि मेरी फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, इस घर में पैसों की कोई कमी ना हो। ये तो फिर से ठंडा हो गया, इसके जादू क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था मयंक, ये सब फालतू की बात है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बारी आई तो जादू खत्म। ऐसे जादू और चमत्कार से कुछ नहीं मिलता मयंक, और अगर मिल भी गया तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इतनी देर हो गई, मयंक अब तक आया क्यों नहीं? परेशान मत हो, फोन करके देख लो ना, उसका नंबर अनअवेलेबल आ रहा है। वो भी सोके। अरे बेटा घबराओ मत, रेखा सिर्फ 9:30 बजे हैं बेटा, वो किसी जरूरी काम से फंस गया होगा बस, और क्या। हेलो, हाँ मैं अविनाश बोल रहा हूँ, कौन? हाँ राकेश बोलो। अरे तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? कह रहे हो तुम राकेश? ये कैसे हो सकता है राकेश? नहीं, कैसी बात कर रहे हो तुम? हे भगवान, क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हो? हमारा मयंक अब इस दुनिया में नहीं रहा। इंश्योरेंस एजेंट का फोन, मयंक ने 25 लाख का इंश्योरेंस करवाया था। खो दे, मुझे जीने का कोई हक नहीं है बाबा,
सिर्फ मेरी गलती की वजह से मयंक की जान गई। बेटी संभालो अपने आप को, अगर तुम ही ऐसा करोगी तो फिर हमारा क्या होगा? अगर आपको पता चल गया तो आप भी मुझे माफ नहीं करेंगे डैडी। ऐसा क्या किया है तुमने? जस्ट काम डाउन बेटा, अब यहाँ बैठो। अब बोलो, कल पार्टी में एक दोस्त ने हमें खोपड़ी दिखाई। खोपड़ी? एक अजीब सी खोपड़ी जो कुछ भी मांगने पर पूरा कर देती, लेकिन उसके बदले में नुकसान बहुत बुरा होता। मयंक बैंक के नोटिस के बाद सुनकर बहुत परेशान था। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी, और उसने खोपड़ी से बहुत सारे पैसे मांगे, और आज खोपड़ी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। मयंक की जान के बदले में हमें 25 लाख रुपए दे दे। अगर वो खोपड़ी हर इच्छा को पूरी कर सकती है तो फिर वो मेरा बेटा भी वापस ला सकती है। हाँ, जिस तरह से मेरा बेटा चला गया वैसे ही मैं उसे वापस ला सकता हूँ। कैसा हो सकता है? पापा फिर वही गलती कर रहे हैं जो मयंक ने की थी। नहीं, जो गलती मयंक ने की थी मैं उसे वापस सही कर रहा हूँ। मुझे अपना बेटा चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। जिंदगी और मौत आदमी के हाथ में नहीं होती, और कोशिश करने पर इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा बेटा चाहिए। प्लीज बेटा, प्लीज बताओ कहाँ है वो। प्लीज बेटा बताओ वो खोपड़ी कहाँ है। स्ट्रॉ में। इस घर में ले आओ। इसे क्या हो गया? मेरा बेटा कहाँ है? कुछ होने वाला है। मैंने कहा था ना मैंने आपसे, आपने मेरी बात ही नहीं मानी। यहाँ का माहौल बहुत अजीब सा हो गया। तुम एक काम करो बेटा, आज की रात ना तुम किसी फ्रेंड के यहाँ रहे हो, सुबह तक माहौल बदल जाएगा, फिर तुम वापस आ जाना। आजकल तो मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ, मैंने भी टीवी पर देखा है, चंडीगढ़ में बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं, यहाँ गर्मी के मारे हालत खराब हो रही है। लेकिन आज तो अपने भी बादल गरज रहे हैं। खाली गरज रहे हैं, बरसेंगे थोड़ी। तुमने वो डायलॉग नहीं सुना है? जानी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। अरे ये क्या हो गया? लग रही है। देखो ये क्या हो रहा है? वापस आ जाएगा ना दुर्गा, तुम्हारा बेटा जरूर वापस आएगा।
इस बार जब वो वापस आएगा ना, मैं उसे विदेश नहीं भेजूंगी, अपने पास ही रखूंगी। मयंक, अरे तू आ गया, हमें तो लगा था कि हमने तुझे खो दिया। चल अंदर आ जा। सुनिए आना, तू चल, देखिए हमारा बेटा वापस आ गया, मयंक आ गया। मयंक, मेरे बच्चे, उसकी चेहरे को क्या हो गया? बेचारे को एक्सीडेंट में चोट लगी। मेरा बच्चा मयंक, मयंक मेरा बच्चा। तो हमें किसी को बताने की जरूरत ही क्या है कि हमारा मयंक वापस आ गया है? और जब तक रेखा यहाँ आएगी ना, हम इसे छुपा देंगे। समझो प्लीज, मुझे अपना बेटा चाहिए। चल बेटा। नहीं हो रहा है कि मयंक मर चुका है, और इतनी रात गए हम अंकल और आंटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे तुम दोनों आओ, अंदर आओ। इस वक्त एक्चुअली आंटी, सॉरी हम लोगों ने आपको इतनी देर से डिस्टर्ब किया। वो बात ये है आंटी, मैंने मयंक को एक बैग दिया था रखने के लिए, उसमें मेरा लाइसेंस और कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स थे, तो बस वही लेने आया था। मैं लेकर आती हूँ। नहीं आंटी, आपको नहीं पता होगा, वो मैंने मयंक की अलमारी के ड्रॉअर में रखे थे। हाँ तो मैं लेकर आती हूँ। अरे आंटी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? अरे मैंने कहा ना मैं लेकर आती हूँ, तुम यही रुको। आप मेरे साथ ऊपर चलेंगे प्लीज? हाँ हाँ, तुम यही ठहरना है, हम अभी आए हैं, यही रुको। यार तुझे नहीं लग रहा कि आंटी कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, मुझे भी दाल में काला लग रहा है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, खाना दो। माँ, माँ, क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे दोस्तों, मैं तुम ऐसा नहीं कर सकते। अपने दोस्तों को जान से मार डाला। मयंक, मयंक, हे भगवान, सुबह होने से पहले लाश को छुपाना होगा। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, क्या बात है, आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? कोई गड़बड़? बेटे, सब ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं। मामा, आप अपने हाथ पे बटर लगा रही हैं। मामा, आपने अपना हाथ काट दिया, क्या कर रही हैं आप? रुकिए, मैं बैंडेज लेके आती हूँ। दुर्गा, ये तो अंकुर का ड्राइविंग लाइसेंस है, वो आया था यहाँ? नहीं, नहीं आया था। मामा, मामा, सब
मामा, मामा वेक अप। मयंक, मयंक, तुमसे कहा था ना कमरे में रहो, चल चल, चलो। चलो बेटे, मैंने तुमसे कहा ना, कमरे से बाहर नहीं निकलना। यहीं बैठे रहना, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो। दुर्गा, दुर्गा, ये मैं को क्या? बताऊंगा बताऊंगा, पहले दुर्गा को अस्पताल ले जाना है। इतनी गहरी चोट उनको लगी कैसे? डॉक्टर साहब, वो सीढ़ियों से लुढ़क कर गिर गई थी। पर इनको देख के तो ऐसा लगता है जैसे कोई सड़क पे एक्सीडेंट हुआ हो। सर पे इतनी गहरी चोट लगने की वजह से ऑपरेशन करने से भी कोई फायदा नहीं। वैसे उनको सुला दिया है, पर फिर वो कब उठेंगी इसकी उम्मीद जरा कम है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर, प्लीज। हम लोग हमेशा पेशेंट को ये दिलासा देते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, पर इस केस में झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। संभालिए अपने आप को। ये सब आपकी जिद की वजह से हुआ है। ऐसी बात नहीं, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? अब क्या बताएंगे आप डैडी? जो कुछ हुआ है वो आपके सामने हुआ है। मैंने आपको कितनी बार समझाया कि जिंदगी और मौत के साथ ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। जी, मैं अपने प्यार से मजबूर था। अपने बेटे की मौत कौन सह सकता है? और उसे वापस लौटाने का बस यही एक मौका था, मैं उसे कैसे छोड़ सकता था? पहली बार जब मैंने उसका चेहरा देखा, मुझे झटका जरूर लगा, लेकिन मैं इतना खुश था, मुझे सोचने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन उसके बाद जब राकेश और अंकुर घर आए। अंकुर और राकेश घर आए थे? हाँ बेटी, और मयंक ने उन्हें देख लिया और क्या डैडी? और क्या डैडी, बताइए। बताऊं तुम्हें बेटा, मयंक ने दोनों की जान ले ली ताकि किसी को पता ना चले। मैंने उन दोनों की लाश छुपा दी और मयंक को ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया। मयंक ने राकेश और अंकुर की जान ले ली और आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? तो बेटी, मैं क्या करता? क्या उसे अपने हाल पे छोड़ देता? डैडी, डैडी, वो आपका बेटा नहीं है। वो एक जीता जाता शैतान है, शैतान जिसने दो मासूम लोगों की जान ली है। डैडी, प्लीज समझने की कोशिश करिए, प्लीज। क्या आपको कोई अंदाजा है कि आपके प्यार की खातिर कितनी बड़ी बर्बादी हुई है? बेटी, ठीक कह रहे हो, अब क्या किया जाए? हमें मयंक को वापस भेजना होगा डैडी, तभी उसे शांति मिलेगी और हम सबको भी। सुनिए अविनाश जी। जी, आपकी पत्नी की मौत हो गई। मैं क्राइम ब्यूरो से हूँ, मिस्टर अविनाश, आप ही हैं ना? जी हाँ, कहिए क्या बात है? मुझे आपके बेटे मयंक की मौत के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। जी। क्या ये बात सच है कि आपके बेटे मयंक की लाश मॉर्ग रूम से गायब हो गई है? जी हाँ, मेरा मतलब है कि नहीं। नहीं? तो फिर उसकी लाश का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया? क्या है कि लाश गायब तो हो गई, लेकिन मिली नहीं। तो आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट करना जरूरी नहीं समझा? ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल क्या है कि मेरे पास सर्च वारंट है, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी होगी।
कमरा किसका है और ये कमरा बंद क्यों है? देखिए कमरा तो मयंक का है, लेकिन लेकिन अब जब वो रहा नहीं तो कमरा इसलिए। खोलिए इसको, मुझे इस कमरे की तलाशी लेनी है। देखिए क्या है कि वो चाबी मुझसे कहीं रह गई। मुझे ठीक है तो हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए तोड़िए मत, चाबी शायद मेरे कहीं, अरे बेटी तुम फौरन यहाँ आ जाओ। मायक न जाने कहाँ चला गया है। क्या? और बेटी उसका उसका शरीर गल रहा है। अरे कौन है भाई? मयंक। अरे मयंक बेटा आओ अंदर आओ, आओ। अरे अंदर आ जाओ बेटा। ये तो प्रताप अंकल का घर है। वो यही है। देखो बेटी तुम घर जाओ, वो खोपड़ी ले आओ जल्दी से। ठीक है मैं अंदर देखता हूँ। ठीक है बेटी जल्दी करो जल्दी। तो कुछ बोलता नहीं बेटा हाँ? हाँ, रेखा से झगड़ा हुआ होगा इसीलिए यहाँ चला आया, मैं सब समझता हूँ। अरे ले, इतने दिन बाद आया है और मैंने कुछ खाने को भी नहीं पूछा तुझे। बैठ बेटा, मैं देखता हूँ। ये ले खा ले बेटा, खा ले। खाएगा कैसे? रुक जा, मैं देता हूँ कुछ काटने को। ये ले बेटा, खा ले इसे, खाओ काट के है? अपना घर समझो। सुला दो मान, कुछ दे दो जी। आ आ आ
पूरा घर बर्बाद हो गया। मेरी गलती से मैंने मयंक को खो दिया। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे सामने बहुत परेशानियां आने वाली हैं। तुम्हें सावधान भी किया, तुम्हें होशियार भी किया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। मैं तो सिर्फ इस खोपड़ी की पहरेदार हूँ। इसके पीछे पीछे लेकिन जो भी इस खोपड़ी के लालच में आएगा वो बर्बाद होता जाएगा। अब देखती हूँ कौन इस खोपड़ी को उठाने आता है। अरे बाबा कहाँ हो तुम? पार्टी शुरू हो चुकी है। क्या कम पास, बाय बाय। वैसे इरा, जहाँ तक मुझे मालूम है दिल्ली आप लोगों के रोम रोम में बसी है, फिर अचानक मुंबई आके रहने का फैसला कैसे कर लिया? ये बात तुम विक्रांत से ही पूछ लो, इन्हीं की जिद थी कि चलो मुंबई चलते हैं। वैसे एक बात बताऊं, मैं तो कहीं भी एडजस्ट कर सकती हूँ, बस शहर में शॉपिंग मॉल्स होने चाहिए और क्रेडिट कार्ड में बैलेंस बाकी होना चाहिए। देखा भाई विक्रांत, शॉपिंग मॉल और क्रेडिट कार्ड्स के बाद तुम्हारा नंबर आता है। सिर्फ मेरा ही नहीं, दुनिया के हर हस्बैंड का यही हाल होता है। वैसे मेरी बात का जवाब अब भी नहीं मिला। बात यह है माधुरी कि यहाँ का सारा काम मेरा पार्टनर विपिन देखता था। कुछ दिन पहले वो अचानक गायब हो गया। गायब हो गया? हाँ, पता नहीं वो कहाँ चला गया। यहाँ काम संभालने वाला भी कोई नहीं था और विपिन एक अच्छा दोस्त भी है, इसीलिए उसकी वाइफ मनीषा की मदद के लिए हम दोनों यहाँ आ गए। हेलो इरा। हाय। हाय मनीषा, सो गुड टू सी यू। हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हाय विक्रांत। हाय, ये क्या बात हुई? इरा से गले लग गए और मुझे सिर्फ हाय? एनीवे, आपकी मुस्कुराहट से तो इस घर में कितनी रोशनी आ गई, वरना फोन पर तो आप इतनी थकी हुई साउंड कर रही थी कि मुझे तो लगा था कि आप आएंगी ना। एक्चुअली विपिन के जाने के बाद मेरा दिल कहीं नहीं लगता। ये मेरी पहली पार्टी है, बड़ा अजीब सा लगता है। हमेशा लगता है जैसे वो कभी भी किसी भी दिन वापस आ जाएगा। मनीषा डोंट वरी, आओ ना, मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ। गाइस दैट्स मनीषा, हमारे पार्टनर की वाइफ है। अच्छा मौका है, यहाँ सब लोग पार्टी में बिजी हैं। मैं माल उड़ा के ले आता हूँ। इरा मैडम ने अपना सारा बैग रूम में यूं ही छोड़ दिया है। हाँ, ऐसा करते हैं, तुम इन सबों पर ध्यान रखना। हाँ, मैं आता हूँ ऊपर से, इसे पकड़। ठीक है ठीक है, जल्दी करना। हाँ, देर नहीं करना। ठीक है। रास्ता भी साफ है, किस्मत भी साथ दे रही है। सब मालिक अपना बैग यूं ही खुला छोड़कर रख दें तो कितना अच्छा होगा। मर गए, ये अचानक कौन आ गया? यहां तो कोई नहीं है, फिर ये आवाज कहां से आई? जल्दी से अपना काम निपटाकर भागता हूं। फिर से वही आवाज, लगता है मुझे
भ्रम हो गया है, उसी वजह से ये आवाज सुनाई दे रही है। आवाज यहां से आ रही है। लगता है कोई बच्चा छुपा हुआ अंदर में होगा, लेकिन पार्टी में कोई बच्चा आया ही नहीं है। फिर ये आवाज ये वही अलमारी है, उसी की अलमारी है। मैंने तो नहीं मंगवाया। विक्रांत, जरूर ये तुम्हारा काम है ना? ये केक तो मैंने भी नहीं मंगवाया सचमुच। ये केक मैंने मंगवाया अपने दोनों दोस्तों के लिए जो अपना घर छोड़कर यहाँ रहने आए हैं, मेरी मुश्किलों में मेरा साथ देने के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यू लाइफ इरा। चलो चलो अब केक काटते हैं जल्दी से। ओह यह ऑफ कोर्स। मनीषा तुम ही आओ। अरे मैं नहीं नहीं कम ऑन। ओह गॉड। अरे ये लाइट्स को क्या हुआ? चोके चोके रिलैक्स। मैं अचानक चली गई। माधुरी क्या हुआ? ये क्या हुआ? क्या हुआ माधुरी? तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? चंदन सुरेश जल्दी आओ। मेरा पैर पकड़ लिया था। मेरा पैर पकड़ लिया था। कैसा हाथ? क्या हुआ? वो हाथ उसने मेरे पैर पकड़ लिए। हाथ? किसका हाथ? वो जमीन से हाथ निकले थे, उसने मेरा पैर पकड़ लिया जोर। क्या जमीन से हाथ निकले? कि क्या कह रही हो तुम? हाँ अभी तक मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, देखो कितना खून। कहाँ है खून? मैं सच कह रही हूँ, वो खून था, वो मैं। माधुरी विक्रांत, इरा इसे ले जाके बेडरूम में सुला दो। कुछ नहीं है, बस अंधेरे से थोड़ा डर गई है, इसे आराम करने दो। विक्रांत हमारे यहाँ पहली पार्टी थी और ये सब। hey, come on, it's okay, होता है कभी कभी। अब चलो थोड़ी देर आराम करेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बेडरूम में लो पकड़ा गया, आज चंद्र मुझे मरवाएगा।
अब मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। वो अलमारी में से एक आदमी निकल कर आया, सड़ा गला कंकाल जैसा, और वो मेरी तरफ आने लगा। सड़ा गला कंकाल जैसा? हाँ, उसकी पूरी बॉडी सड़ी हुई है। देखो तुम शायद अंधेरे की वजह से घबरा गई होगी, और कुछ नहीं, वो है वहाँ पे। संभालो अपने आप को माधुरी। क्या संभालो, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? इस घर में बहुत बड़ी गड़बड़ है। तुमने जरूर का सपना देखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक मिनट, चलो देखते हैं क्या है। हम चेक करके आते हैं, ओके? जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। तुम यही रहो मेरे साथ, कुछ नहीं होगा, आओ बैठो। डरो मत, मैं हूं ना। विक्रांत शायद बेडरूम में कोई छुपा हुआ होगा। रिलैक्स हीरा, डरो मत, मैं हूं ना, रुको। यहां तो कोई नहीं है। हीरा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि माधुरी अंधेरे से डर गई होगी। लेकिन विक्रांत, वो अलमारी में तो कोई हो सकता है ना? हीरा तुम भी ना, फालतू सबको डरा रही हो। चलो मैं अलमारी खोलता हूँ, देखते हैं अंदर कौन छुप के बैठा है। वो कुछ है। अरे बात, वहाँ पर क्या? वो है कुछ। वन सेक। इसकी वजह से माधुरी डर गई थी। ये देखो, गॉड। लेकिन ये मास्क यहां पर आया कैसे? एनीवे, उठो, खा मखा डरा दिया। नहीं यार, 2 मिनट के लिए तो मेरी सांस अटक गई थी। अब ये डरने डराने की बात छोड़ो, चलो वापस पार्टी में चलते हैं। हीरा, मेरी मदद करो। लगता है मुझे भी माधुरी की तरह आवाजें सुनाई दे रही है। सुरेश पानी रखना भूल जाता। किचन जाकर पी लेता। विक्रांत कहाँ चला गया? विक्रांत, तुम यहाँ हो? यहाँ क्या कर रहे हो? कितना डर गई थी। चलो ना विक्रांत। मेरी मदद करो हीरा। विक्रांत, मेरी मदद करो।
आदमी ईरा कहाँ? बेड पे बैठा है। कहाँ बैठा है? ईरा यहाँ यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन लेकिन मैंने देखा था यहाँ एक बहुत ही डरावना आदमी था विक्रांत। वो मुझे लगता है वो अलमारी में चला गया। तुम सबको क्या हो गया? जिसे देखो उसे अजीब अजीब चेहरे दिख रहे। आखिर मैं भी तो देखूं इस अलमारी में है क्या। विक्रांत संभाल के। एक मिनट। एक मिनट। देख लो कुछ भी नहीं। हीरा पार्टी खराब होने की वजह से तुम परेशान हो गए। अब ऐसी बातें सोचोगे तो बुरे सपने ही आएंगे ना। चलो आराम करो। आ जाओ कम। आओ ना। तो पाना था हम लोग जब से इस घर में आए हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती जा रही है। तुम इस घर के वास्तु को अच्छी तरह से एक बार देख लो और हाँ मेरे बेडरूम को भी देख लो। वहां तो जरूर कोई प्रॉब्लम है। क्या हुआ? यहाँ पे कुछ छुपा हुआ है। है ना? यहाँ कुछ है ना? हाँ यहाँ जरूर कुछ है। मुझे यहाँ कुछ महसूस हो रहा है। इस बेडशीट के नीचे क्या है? यहाँ ये निशान कैसा है? एक्चुअली कल रात मैंने यहाँ पर एक बहुत ही डरावना आदमी देखा था। एक मरा हुआ आदमी यहाँ बैठा था। ये निशान उसी का है। चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। इरा, इस घर में किसी बुरी आत्मा का साया है। इरा, चलो यहाँ से। Excuse me, मैडम, क्या आपको किसी से मिलना है? मैं विक्रांत की वाइफ हूँ। ओह, गुड आफ्टरनून मैडम, मैं मिनी हूँ, विक्रांत सर की सेक्रेटरी। विक्रांत है ऑफिस में? यस मैडम, लेकिन वो 10 मिनट के बाद किसी मीटिंग के लिए बाहर जाने वाले हैं। आगे जाके राइट वाला केबिन मैडम। मुझे विक्रांत से अकेले में बात करनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं। ओके हाँ बोलो क्या हुआ। विक्रांत विक्रांत हमारे घर में कुछ गड़बड़ है। फिर वही बात।
सिर्फ ये कहने के लिए तुम यहाँ पर आई हो? तो मेरी बात तो सुनो। विक्रांत मेरी भाभी की एक फ्रेंड है, दीपानिता, वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट है वो। मैं उसे हमारा घर देखने के लिए ले गई थी। उसने हमारी सारी मुश्किलें दूर करने के लिए हमारे घर में सिंदूर। सिंदूर? विक्रांत मेरी पूरी बात तो सुनो। उसने जैसे ही हमारे बेडरूम में वो सिंदूर फैलाया, हवा में एक डरावना चेहरा बन गया। ठीक वैसा ही जैसे मैंने रात में देखा था। विक्रांत दीपानिता कहती है हमारे घर में एक बुरी आत्मा का साया है। बुरी आत्मा? अब हम क्या करें? किसी से पूछा भी तो कोई हमारी बात नहीं मानेगा। लेकिन तुमने हमारा ये घर किससे खरीदा था? ये घर तो विपिन ने कंपनी का गेस्ट हाउस बनाने के लिए खरीदा था। एजेंट भी यहीं का था, प्रताप। 2 साल पहले उसी ने ये बंगला बेचा था उसे। विक्रांत हम उसके पास चलते हैं, हमें उस घर के पुराने मालिक से मिलना ही पड़ेगा। लेकिन नीरा मेरी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं एक काम करो, तुम जाकर उस एजेंट से मिलाओ, मैं तुम्हें उसका एड्रेस देता हूँ। लो, इसमें उसका टेलीफोन नंबर और एड्रेस दोनों है, जाकर मिल लो उससे। विक्रांत। हीरा प्लीज प्लीज, एंड डोंट वरी, मीटिंग खत्म होते ही मैं तुम्हें फोन करूंगा और तुम्हारे पास आ जाऊंगा, ठीक है? किधर जाना है मैडम आपको? प्रताप जी से मिलने। प्रताप जी से? जी हाँ, वो एस्टेट एजेंट है, यहीं पर है ना उनका ऑफिस। आपको आने में थोड़ी देर हो गई मैडम, वो चले गए। अच्छा, कब लौटेंगे वो? अब वो कभी नहीं आएंगे। क्या मतलब, ऑफिस बंद हो गया क्या? जी, प्रताप जी की मौत हो चुकी है 5 साल पहले। क्या, मौत हो चुकी है? जी, और ये ऑफिस भी बंद है 5 साल से। बहुत लोग आते हैं उन्हें ढूंढते हुए, पता नहीं क्या गड़बड़ करके गए हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, अभी 2 साल पहले तो उन्होंने हमें अपना घर दिलवाया है। प्रताप जी ने? अब पता नहीं, वो ऊपर बैठे बैठे भी अपना बिजनेस कर रहे हो तो कुछ कह नहीं सकते। थैंक यू। विक्रांत, अगर उसे मीटिंग के लिए यही आना था तो मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आया? मुश्किलें बढ़ती जा रही, लगता है कुछ करना ही पड़ेगा। सेल क्यों बंद करके रखा है? ये विक्रांत कहाँ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। ये ऑफिस का रास्ता तो नहीं है, तो ये इस तरफ क्यों जा रहा है? ओ मनीषा, समझने की कोशिश करो, try to understand। ये दोनों इस तरह झगड़ क्यों रहे? कौन है? कौन है वहां पे? ईरा, तुम वहां क्या कर रही हो? अंदर आओ ना। क्या हो इरा, बात क्या है? मैंने तुम्हें एस्टेट एजेंट के ऑफिस के बाहर देखा था, तुम्हें आवाज लगाई, तुम्हें सुनाई नहीं दी, तो तुम्हारा पीछा करते करते मैं यहाँ चली आई। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? एक्चुअली मनीषा ने एक ऑर्डर लिया था पार्टी से, और मुझे पता था कि उससे हमें नुकसान होने वाला है, बस यही बताने आया था मैं मनीषा को। वही बिजनेस की रोज की प्रॉब्लम्स। अच्छा, लगता है तुम बहुत थक गई हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। विक्रांत, तुमने उनसे झूठ क्यों बोला? क्या झूठ? यही कि विपिन ने वो बंगला हमारे लिए 2 साल पहले खरीदा है। मैंने झूठ नहीं कहा इरा, विपिन ने वो बंगला 2 साल पहले ही खरीदा था। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो एस्टेट एजेंट 5 साल पहले मर चुका है। क्या
मर चुका है 5 साल पहले। ये तो मनीषा तुमने सुना है, जिस एजेंट ने तुम्हें वो बंगला दिलाया वो 5 साल पहले मर चुका है। क्या ये कैसे हो सकता है? वो आदमी हमारे पास आया था? ऐसा नहीं हो सकता, वो 5 साल पहले मर चुका है। और मैं उस घर में नहीं रहने वाली, वहां कुछ गड़बड़ है। मैं अपने डैड के घर जा रही हूँ बस। इट्स ओके इरा, रिलैक्स, तुम इतना परेशान मत हो। तुम जैसा चाहोगी वैसे ही होगा। हम मुंबई छोड़कर ही वापस चले जाएंगे। अब चलो, मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। चलो, कोई जरूरत नहीं, मैं कार लेकर चल जाऊंगी। मनीषा, क्या तुम सच कह रही हो कि वो बंगला तुम्हें उसी आदमी ने दिलाया था? हमें मुंबई आना ही नहीं चाहिए था। जब से यहाँ है सब कुछ गड़बड़ हो रही है। विक्रांत भी मुझसे झूठ बोले लगा है। मैम साहब, मैं बाजार से आपके लिए दवाइयाँ लाया हूँ। कहाँ रखी है? जी, आपके बेडरूम में। ठीक है, पानी लेकर आओ। जी मैम साहब। ये लीजिए मैडम पानी। सुरेश, सुरेश! क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? सुरेश ये देखो क्या हो रहा है, ये देखो। ये क्या हो रहा है? अंदर एक आदमी है, वो ही ये सब कुछ कर रहा है। आदमी? ठीक है मैडम, मैं देखता हूं। मैडम यहां तो कोई नहीं है। मेरा नाम, मैं सच कह रही हूँ, जैसा कि माधुरी ने बताया था, अलमारी में से एक बहुत ही डरावना आदमी बाहर निकलता है। अलमारी में से? हाँ, और उसने मेरे सामने सुरेश को अलमारी के अंदर खींच लिया, फिर अलमारी का दरवाजा बंद हो गया और उस पर तुम्हारा नाम लिखा आया। ये कैसे हो सकता है? तुम ये क्या कह रही हो? तुम तब होश में तो थी, तुमने कुछ लिया तो नहीं, कोई मेडिसिन, स्लीपिंग पिल्स वगैरह? मनीषा मैं सच कह रही हूँ, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो तुम मेरे साथ चलो और देख लो, या फिर मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है। मुझे क्या पता हो रहा है, क्यों हो रहा है? अच्छा, तुम्हें नहीं तो और किसे पता होगा, वो तुम्हारा घर है। लिसन, वो कंपनी का गेस्ट हाउस है। हम लोग कभी कभी छुट्टियां बिताने वहां जाया करते थे। शहर से थोड़ा दूर है, एक अच्छा बड़ा गार्डन है, इसलिए मैंने तुम लोगों का रहने का इंतजाम वहां कर दिया। अब ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम। कमाल की बात है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम उस घर में रह चुकी हो फिर भी तुम्हें कुछ नहीं पता। देखो मनीषा, तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो, उस अलमारी पे तुम्हारा नाम लिखा हुआ था, कोई तो बात है। तुम कहना क्या चाहती हो? विक्रांत ने कहा कि वो मेरी हेल्प करने के लिए यहां आया है और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। ये तुम्हारे दिमाग का वहम भी तो हो सकता है, वरना किसी और ने मेरा नाम लिखा हुआ देखा है क्या? बोलो मनीषा, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दो आदमी गायब हो चुके हैं और विपिन भी तो इसी तरह। जस्ट शट अप, तुम अपनी हद से बाहर जा रही हो। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, निकल जाओ मेरे घर से। मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि ये सब क्या हो रहा है। गेट आउट। हेलो, मेरे ख्याल से ईरा को कुछ पता चल गया है।
ठीक है, मैं वहां जा रही हूं। लगता है अब इस सीरा का कुछ इलाज करना पड़ेगा। मिनी, विक्रांत कहाँ है? वो तो अभी भी बाहर चले गए हैं। क्या? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या हुआ है आपको? मुझे कुछ नहीं, क्यों? थोड़ी देर पहले एक आदमी विक्रांत सर से मिलने आया था, वो कह रहा था कि आपकी तबीयत अचानक खराब हो गई है। कौन आया था? मालूम नहीं कौन था, मुझे लगा शायद आपके घर का नौकर होगा। क्या, ये कैसे हो सकता है? चंदन गायब है और सुरेश को अलमारी ने मेरे सामने अंदर खींच लिया था, तो यहाँ नौकर होके कौन आया था? कहीं विक्रांत किसी मुसीबत में तो नहीं? हे भगवान, मुझे तुरंत घर जाना चाहिए। विक्रांत कहाँ गए, कुछ पता है? नहीं मैम। ओके, I'm sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की उसे यहाँ लाने की, लेकिन वो नहीं मानी। प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाओ। विक्रांत प्लीज प्लीज मेरा विक्रांत मुझे लौटा दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है विक्रांत? विक्रांत, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं तुमसे नहीं डरती और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जो मेरा विक्रांत ही नहीं ना, तुम अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम्हारे टुकड़े नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ, बाहर डालूंगी मैं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी। अलमारी के अंदर अलमारी, ये क्या है, खोल के देखते हैं। इधर तो तहखाना है, देखते हो क्या है। मदद करो प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। मुझसे बचना चाहती हो तो मेरी मदद करो, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो बाकियों के साथ हुआ है। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं उसकी बात कर रहा हूं, वही जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया है। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या चाहते हो तुम मुझसे? मदद, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सब समझते हैं कि मैं खुद गायब हो गया हूं, ऐसा नहीं है। लगता है सब लोग सो गए। पहले भी यहां आ चुकी हूं, इसमें डरने की क्या बात है? आज डरने से काम नहीं चलेगा, आज तो काम खत्म करना ही होगा।
ये तुमने विक्रांत को मार डाला? ये तुमने क्या किया? तुमने अपने ही पति को मार डाला? जैसे तुमने अपने पति को मार डाला। नहीं, नहीं, तो मेरा नहीं हो सकती। कौन हो तुम? नहीं, नहीं, हीरा, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम बच नहीं सकती मनीषा। बस, बहुत हो गया। तुम ये बात नहीं छुपा सकती कि तुमने अपने पति विक्रांत का खून किया है। और तुमने मेरा खून क्यों किया था? अच्छा, तो तुम ये भी जानती हो? तो सुनो, मैं और विक्रांत एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो तो तुम्हारे डैडी की वजह से विक्रांत को तुमसे शादी करनी पड़ी। हम मजबूर थे, क्या करते? फिर हमने प्लान बनाया, विपिन को अपने रास्ते से हटाने का। हमने उसे मार के यहाँ छुपा दिया ताकि किसी को कुछ पता ना चले। और तुम जानती हो विक्रांत तुम्हें यहाँ क्यों लाया है? ताकि वो तुम्हें वैसे ही खत्म कर सके। लेकिन अफसोस, वो तो ये काम नहीं कर सका, मुझे ही पूरा करना होगा। विक्रांत ने मिलकर मुझे मारा था। ये दोनों नौकर भी मिले हुए थे। क्या हाल हो गया इनका? मैं जानता था ईरा को तुमसे खतरा था और तुम एक न एक दिन लौटकर जरूर आओगी और तब मैं तुमसे अपनी मौत का बदला लूंगा। छोड़ो मुझे। दे दी और अब तुमको भी कोई खतरा नहीं और आज के बाद मैं भी तुम्हें परेशान करने के लिए यहां नहीं रहूंगा। गुड बाय। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।